आपको सिखाने जा रही हूँ अमृतसरी पिंडी छोले। और इस अमृतसरी पिंडी छोले को जिस ऑथेंटिक तरीके से वहाँ पर बनाया जाता है वही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस अमृतसरी पिंडी छोले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप जो छोले थे उसको रात को भिगो के रखा है। मैंने इसे ओवरनाइट जो है पानी में सोक करके रखा था और ये जो है आप अपनी साइज से भी डबल हो चुके हैं। सबसे पहले ये कुकर में डाल देंगे। मैंने इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लिया है और 2 कप छोलों में मैं यहाँ पे 4 से 5 कप पानी डाल दूंगी। इतना पानी डालें कि आपके छोले अच्छे से भीग जाएं। अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी और यहाँ पर मैंने एक पोटली बना के रखी है और इस पोटली में मैंने जो है 1 से 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाली है। पोटली मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास टी लीव के बैग हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 यहाँ पे बड़ी इलायची हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूंगी इसमें 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारी चीजें डालने के बाद मैं इसे कवर करके 4 से 5 विसल आने तक इसे उबाल लूंगी। तो अगर आपने रात भर छोलों को भिगो के नहीं रखा है तो आप उन्हें उबालते समय मीठा सोडा डाल दें। चलिए इसको अच्छे से उबाल लेते हैं जब तक कि ये अच्छे से मैश ना हो जाए। तो इसे 4 से 5 छोले उबल रहे हैं तब तक हम अमृतसरी पिंडी छोले के लिए सूखा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक क्योंकि नमक हमने उसमें छोले उबालते समय भी डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये सारे हम सूखे मसाले इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा को मैंने तवे पे नॉर्मली रोस्ट करके और इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। 1/2 चम्मच के करीबन गरम मसाला। यहाँ पे मैंने अनारदाना को तवे पे नॉर्मली रोस्ट करके और इसे मिक्सी में दरदरा कूट लिया है वो डाल देंगे इसमें। और 1 चम्मच हम यहाँ पे ये अमचूर पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग जो है वो बहुत ही इसको अच्छा टेस्ट देगी, हींग से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही ये 1 चम्मच कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके इसमें डाल देंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे 1/4 स्पून रॉक सॉल्ट या फिर काला नमक जो भी आपके पास हो वो आप इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। और अनारदाना तो इसमें सबसे मस्ट है क्योंकि अनारदाना जो है वो नॉर्मल बाजार के चने मसालों में भी ऐड होता है। तो अगर आप ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं तो आपको बाहर का मार्केट का चना मसाला डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारे ड्राइड मसाले रेडी हो चुके हैं। साथ ही मैंने छोलों को भी 4 से 5 मिसल लगा ली थी, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए छोलों में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। पानी को भी जो है वो हमारा हम यूज़ करेंगे क्योंकि इस पानी में बहुत ही ज़्यादा एरोमा है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस है इन सारे मसालों की। इन सारे मसालों को हम अलग कर लेते हैं। आप सूखे मसाले इसी में डालें, अगर आप ऊपर से डालेंगे तो वो मसालों का मुंह में आएंगे और वो आपको उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब भी इन छोलों को उबालें तो उसमें ही ये मसाले सारे खड़े मसाले ऐड कर दें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा इस पानी में आ जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए छोले बहुत अच्छे से जो है मैश हो रहे हैं, यानी हमारे ये छोले भी बहुत अच्छे से तैयार हैं। अब मैं इनको इस छोलों को और इसके पानी को अलग कर लेती हूँ। छोले हमारे मैश हो चुके हैं, पानी भी हमारे पास है और ड्राइड मसाला भी मैंने बना लिया है। तो चलिए अब देर ना करते हुए अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 3 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1/2 चम्मच के करीबन जीरा डाल देंगे, उसको अच्छे से तड़कने देते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे प्याज, जो मैंने यहाँ पे 2 प्याज ली है पे 2 प्याज लिए और 2 प्याज को मैंने यहाँ पे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो उसे बारीक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इन सारे मसालों को हम तब तक मिक्स कर लेंगे जब तक कि इनका कच्चापन नहीं निकल जाता और ये डार्क गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। और प्याज का पेस्ट को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 टमाटर जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर रखा था उसमें डाल दूंगी, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक टमाटर को अच्छे से गलने तक हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। और टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। ये जो ड्राई सूखा मसाला हमने बनाया था वो इसमें मैं डाल दूंगी, तो ये सारा ड्राई सूखा मसाला मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। और साथ ही ये जो चाय पत्ती का पानी था वो भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक करके ऑयल सेपरेट होने तक हम पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो चुका है और मसाला भी इसमें भुन चुका है अच्छे से।
तो अब मैं यहाँ पर अपने सारे जो छोले हैं जिसे मैंने उबाल के रखा था वो इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखा आपने कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चाय पत्ती का पानी डाल दूंगी। हम इसमें यही पानी यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और दूसरा हम पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो हमें ये पानी डाल के इसमें जितना आपको जैसी ग्रेवी चाहिए अच्छे से उबाल आने तक हम पका लेंगे। तो अब मैं इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता और इसकी ग्रेवी जो है हो चुके हैं, ऑयल भी जो है वो साइड से आ चुका है और ग्रेवी भी हमारी थिक हो चुकी है। और लेकिन यहाँ पे मैं एक जो है स्टेप करने वाली हूँ वो आप भी कर लीजिएगा। मैशर होता है, इससे मैं कुछ छोलों को थोड़ा सा मैश कर लूँगी। इसे मैश करने से क्या होगा कि आपकी ग्रेवी भी बहुत थिक होगी और जो है वो खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अमृतसरी पिंडी छोले में कुछ छोले जो है वो साबुत होते हैं और कुछ छोलों को जो है इस तरह से मैश कर लिया जाता है। तो हम इस मैशर की मदद से कुछ छोलों को हम भी अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हमारी अमृतसरी जो पिंडी छोले हैं वो गाढ़े हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक कर सकते हैं, ना ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल इसी तरह से जो है ये अमृतसरी पिंडी छोले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक स्टेप बाकी है तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए पहले हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। स्टेप में मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है और इसमें हम एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप इस ऑयल की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हींग, एक चुटकी के करीब हींग डाल देंगे, 4 से 5 ऐसे कटी हुई हरी मिर्ची और साथ ही इस तरह से अदरक की ये जूलियन ये भी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी हम लाल मिर्ची करीबन 1/4 स्पून, सिर्फ 30 से 40 सेकंड फ्राई करना है, नहीं तो आपका ये मसाला जल जाएगा। गैस की फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पे रखें। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इस तड़के को इसके ऊपर डाल देंगे। फ्रेंड्स बनके तैयार है हमारे अमृतसरी पिंडी छोले। ये अमृतसरी पिंडी छोले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन छोलों को पूरी, नान, प्लेन राइस, जीरा राइस या फिर भटूरे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।